आगे बढ़ते हैं। सकिन, अक्सर कहा जाता है जब स्वास्थ्य की बात हो, स्वस्थ रहने की बात हो, तो हंसना मुस्कुराना जरूरी होता है। तो आज की शाम में हमारे साथ कोई ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो आप सभी के चेहरों पे मुस्कान बिखेर देगी। जी हाँ, बता दें आपको कि मशहूर कॉमेडियन प्रताप फौजदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका जोरदार स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे उनके अब तक के सफर। आनंद की मुद्रा, आनंद की चीज करेंगे। मैं लड़कों को बता रहा था, आजकल क्या है, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक हमारा जमाना था जब इसकी बाजी हुआ करती थी। जब मेरा नाम सरदार प्रताप फौजदार है, मैं लाफ्टर चैंपियन हूँ। डू यू नो अबाउट मी सर? यस, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पहचान लिया। वैसे इसमें कोई ज्यादा अकल की बात भी नहीं है, सरदार दूर से दिखाई दे जाता है सर। हंसना जरूरी है, ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन आज हंसी सबसे महंगी हो गई है। आज लोगों को ना हंसने का मौका मिलता है, ना ऐसा माहौल। लेकिन हंसना जीने के लिए बहुत जरूरी है। हंसी जितनी महंगी हुई है, उससे कहीं अधिक मुश्किल लोगों को हंसाना है। आगे सबसे छोटे सरदार नहीं, ये लंबे लंबे ही क्या काम आ रहे हैं भाई। गली में निकलते हुए खिड़की में से झांक के कहते, आंटी जी क्या बनाया है। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, और ऐसा ही मुश्किल काम करते हैं जाने माने कॉमेडियन प्रताप फौजदार। ये बहार का है मौसम, मौजों में है रवानी। ये बहार का है मौसम, मौजों में है रवानी, पर आगे नहीं बढ़ती मेरे प्यार की कहानी। 2007 में द ग्रेट लाफ्टर चैंपियन से पहचान बनाने वाले प्रताप फौजदार का हास्य कवियों के फहरिस्त में एक अलग ही ओहदा है। प्रताप फौजदार पेशे से तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, लेकिन अब उनकी इंजीनियरिंग की कलाओं से ज्यादा इनके कॉमेडी वाले रूप को ही सब जानते हैं। इस जिंदगी में दो ही महिला आदमी के सर पर हाथ फेरती हैं, एक बीवी और एक माँ। लेकिन जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। लोगों को हंसाने के साथ साथ फौजदार साहब की लेखन में भी काफी रुचि है, और इन्होंने शहीद बीरबल गोकुल सिंह और सिख योद्धा हरि सिंह नलवा जैसी बेहतरीन किताबें लिखी हैं, और इन दोनों पुस्तकों को काफी पसंद भी किया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मशहूर कॉमेडियन प्रताप फौजदार जी का। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले कुछ पल जब प्रताप फौजदार सर स्टेज पर होंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचेंगी, तो आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। कम से कम कुछ ग्राम खून तो आपका आज हम लोग बढ़वा ही देंगे। मैं शुरू हो चुका जी? बिल्कुल सर। एक दो मिनट के लिए मैडम मुझे दे दोगे? नहीं, सरदार को स्टार्ट करने के लिए एक मैडम की जरूरत होती है सर। ताड़ियां बजाओ। आपका आईक्यू लेवल नीचा है या मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है? सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पक्का आ रही है? पीछे तक आ रही है? पर ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं भाई? सर, ये बड़ी पुरानी बात है, पर मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों ने अभी भी ताली नहीं बजाई मेरे दो बार कहने से। मेरी बातों पर जो ताली नहीं बजाता, उसको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। इसका मतलब आपको अगले जन्म की भी चिंता नहीं है सरदार जी। सरदार जी बजा लो। देखो, मैं यहीं से शुरू होता हूँ। तालियों का एक कोटा है, परमात्मा लिख के भेजता है कि भाई इस जन्म में इतनी हजार तालियां बजानी है। अगर आपने नहीं बजाई तो वो इकट्ठी होती रहती हैं।
फिर परमात्मा उन्हें बजाने के लिए स्पेशल जन्म देता है सिर्फ ताली बजाने के लिए। तब मैं चाहता हूं आप ताली बजाते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारा, ये हेल्थ केयर अवार्ड जो है, हेल्थ के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। और हंसी के लिए एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, चाहे तो आप बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैडम आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं ज़रा इनसे मुखातिब हो लेता हूँ। दरअसल क्या है, मैं एडिक्ट हूँ दोस्तों, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है। और मेरा नशा यह है कि मैं आपके चेहरों पर मुस्कराहट देखना चाहता हूँ, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूँ, यह मेरा नशा है दोस्तों। थोड़ा सा मनोरंजन करते आते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। अभी चीफ गेस्ट साहब आने वाले होंगे। बेटा तुम भी कहीं भी बैठ जाओ, परमात्मा ने खड़े होने के लिए पैर दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया है, उसका प्रयोग करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा खुल के हंसो, मस्ती में लाओ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं अपना अभी मेरा यहाँ परिचय दिया गया, लेकिन मैं एक अपना असली परिचय आपको देता हूँ, समझना इसको। जब हम घर में होते हैं ना, जब घर में होते हैं तो छोटा बच्चा कोई घर का रो रहा होता है तो हम तुरंत उसके रोने से इतने विचलित हो जाते हैं कि हम तोतले हो जाते हैं। तुरंत कहते हैं मिला बेटा, मिला बाबू, मिला बच्चा, किन्ने मारा, क्यों रोया, हाँ आओ बेटा। हम लुढ़क जाते हैं, कुछ मुद्राएं बनाते हैं उसके सामने, गधे बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके होठों पर थोड़ी सी मुस्कराहट आ जाए। दोस्तों मैं आपके होठों पर मुस्कराहट लाने के लिए वही गधा हूँ, यही मेरा परिचय है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा गधा बना रहूँ जो आपके होठों पर मुस्कराहट लाता रहे। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। दोस्तों मुस्कराहट रखिए। अच्छा मैं आपको वैसे आपने हो सकता है कहीं से सुना हो, मैं आपको एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुना था मेरे को। हाँ सर क्यों हंस रहे हो सर, हमारा इंटेलिजेंट जोक रहे। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि ज़्यादा ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों आप सब जानते हैं पंजाब के रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो एक एक व्यक्ति ईमानदारी से जो बाहर से भी लोग आए पीछे तक ताली बजा के मुझे बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली ज्यादा उठा देना, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस मायने में पूरा देश सरदार हो जाए। सरदार जी बड़े मैदान में बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, घाटा कैसे पूरा हो। एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, बोले गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहां बैठे, बोले हाँ अंकल जी, बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोले अच्छा अंकल जी कहां बैठ जाऊं, बोले यहां बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा, दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, के लिए अपने पापा को दे देना। बोला पन सर, लेकिन सर पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख, बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पड़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का किडनैप किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए, दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, मेरे गुरसिख भाई बैठे उनके लिए मैसेज है, आप सबके लिए मैसेज है, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। तालियों से रिसीव कर लेना दोस्तों इसको, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहिए कुछ। आज की शाम के मुख्य अतिथि अनिल विज सर इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अनिल विज सर कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां उठाइए उनके स्वागत में।
अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले, तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं तुम हो यूज एंड, मैंने कहा सुनो तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? क्योंकि ये देश विचित्र है सर, ये देश विचित्र है। यहाँ पे आप देख लो, मैं बता रहा हूँ आपकी, जो अपनी माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जो अपने बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव, जिसकी कोई नहीं सुने वो केजरीवाल, और जो किसी की नहीं सुने वो नरेंद्र मोदी। ये देश विचित्र है सर। तो अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी, मैंने कहा मोर, बोले राष्ट्रीय पशु, मैंने कहा शेर, बोले राष्ट्रीय झंडा, मैंने कहा तिरंगा, बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें तीन रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? मैं लास्ट में बस यही कहूँगा, आप आए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया, मैं इस हेल्थ केयर के लिए दुआएं करता हूँ कि इस तरीके से सब होता रहे, लोग निरोग होते रहें और इस तरीके के आयोजन होते रहें, आप हंसते रहें। मैं भगवान से दुआ करता हूं और यही कहता हूं कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम, अब के बिछड़ रहे हैं इसका कोई गम नहीं, फिर बाहर आएगी और फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप फौजदार सर अपनी तमाम बातों के लिए, इस लाफ्टर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के शाम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, एक बार आपको बता देते हैं कि कौन कौन हमारे साथ इस कार्यक्रम में शाम में जुड़ चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार के अनिल विज सर तो मौजूद हैं ही हमारे इस शाम में, इसके अलावा बीजेपी के विधानसभा में मुख्य सचेतक और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। निषक्त आयोग के चेयरमैन दिनेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा वीरेंद्र गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव गोयल सर हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अक्सर चैनल के डिबेट में मुखातिब होने वाली रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा सज्जन प्रकाश आर्या जी रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीबी गोयल साहब पार्षद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरेंद्र मलिक जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल यादव जी और विनय फोगाट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस शाम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सभी खास मेहमानों का। और अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जनता टीवी न्यूज चैनल के सीईओ मिस्टर दीपक अरोड़ा सर से कि वह आज के शाम के मुख्य अतिथि और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी को स्टेज पर लेकर आए। सर प्लीज जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सर का, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप देवास सर से कि वो आज के की स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल सर को भी स्टेज पर लेकर आए। सर प्लीज एक बार जोरदार स्वागत हो जाए हमारे आज के की स्पीकर वीरेंद्र सारवाल सर का। जनता टीवी न्यूज चैनल के इनपुट एडिटर डॉक्टर थानेश्वर शर्मा जी से कि वो डॉक्टर सचिन गुप्ता जी को स्टेज पर लेकर आए। सर प्लीज जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर सचिन गुप्ता सर के लिए। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे जनता टीवी के जनरल मैनेजर सेल्स मिस्टर विकास मल्हान सर से कि वो आज की शाम की हमारी तीसरी की स्पीकर मिसेस इंदु अग्रवाल जी को स्टेज पर लेकर आए। सर प्लीज के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा जनता टीवी के सीनियर मैनेजर मार्केटिंग नितिन जी से कि वो ज्ञानचंद गुप्ता सर को भी स्टेज पर लेके आए। सर प्लीज तमाम
खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मंच पर हैं और आप तमाम लोग जो गणमान्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप सभी से गुजारिश है कि आप एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, क्योंकि आज के शाम की शुरुआत राष्ट्रगान से करेंगे। सर प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। हमारे रोम रोम में बसाता है। और अब हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की विधिवत तौर पर शुरुआत हो, दीप प्रज्वलित कर। आप सभी गणमान्य जो स्टेज पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश की आज के इस कार्यक्रम की विधिवत तौर पर शुरुआत करें। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, आज के शाम की विधिवत तौर पर शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबसे गुजारिश भी है कि चौधरी मित्र सेन आर्या जी की जो तस्वीर वहां पर मौजूद है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर, पुष्प अर्पित कर एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। राष्ट्रगान भी है जो हम
हम सबको एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। खैर शाम में आगे बढ़ते हैं और अब हम चाहेंगे कि जनता टीवी न्यूज चैनल के सीईओ मिस्टर दीपक अरोड़ा सर से कि वो आज की शाम के मुख्य अतिथि श्री अनिल विज जी का बुके देकर स्वागत करें। और अब हम गुजारिश करेंगे प्रदीप देवास सर से कि वो आज के की स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल सर को बुके देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। Why you go with some morning music? All right. Lift our mood. बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे डॉक्टर थानेश्वर शर्मा जी से कि वो डॉक्टर सचिन गुप्ता जी का बुके देकर स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। साथ साथ विकास महान सर से हम गुजारिश करेंगे कि आज की स्पीकर मिसेस सिंधु अग्रवाल का वो बुके देकर स्वागत करें। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा नितिन जी से कि वो ज्ञानचंद गुप्ता जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। और अब हम सभी खास मेहमानों से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही साथ हम चाहेंगे जनता टीवी न्यूज चैनल के सीईओ मिस्टर दीपक अरोड़ा सर से कि वो यहां आकर अपना स्वागत संबोधन दें। गुड इवनिंग एवरीवन। जनता टीवी द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम हेल्थ केयर अवार्ड में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री माननीय अनिल विज जी, पंचकुला से विधायक माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से चिकित्सा जगत के बहुत सी विभूतियां, बहुत से नगीने अलग अलग क्षेत्रों में रिप्रेजेंट करने वाले चिकित्सा जगत को मौजूद डॉक्टरगण, सभी विशिष्ट अतिथि और सभी मेरे मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जनता टीवी का ये प्रयास जो आपके समक्ष है हेल्थ केयर अवार्ड के रूप में, ये हमारा एक प्रयास है कि जिस तरह चिकित्सा जगत के क्षेत्र के अंदर, मेडिकल क्षेत्र के अंदर तरह तरह हर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिलों में जो मेडिकल के डॉक्टर्स या जो नुमाइंदे अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, वो निरंतर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारा ये प्रयास है आप सबके साथ मिलकर कि हम भी उसमें अपनी भागीदारी निभा पाएं और शायद उसमें अपना कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन दे सकें कि इसी तरह आप लोग समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते रहें और हम सब लोगों को प्रेरित करते रहें। और आज के इस कार्यक्रम की सबसे मुख्य और ख़ास बात यह है, सम्मान समारोह हमने जो आयोजित किया है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें लगता है कि जो अपने क्षेत्र के अंदर बेहतरीन सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में। लेकिन उससे अहम और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मान देने वाला कौन है। तो आज मैं इस बात में खास तौर पर तवज्जो देना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के वो साधक को नमन करता हूँ जो बतौर स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, लेकिन वो एक साधक की भांति निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा प्रदेश को, ना सिर्फ अम्बाला को, पूरे हरियाणा प्रदेश को। और आज आप मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हरियाणा में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन दे रहे हैं वो सिर्फ अनिल विज जी के प्रयासों का और उनके कार्यों का ही। और मैं इस बात पे चाहूंगा कि जोरदार तालियां एक बार विज साहब के लिए। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री हमारे बीच में है और आपको, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए वो स्वयं मौजूद हैं। एक बार तहे दिल से फिर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अपने तमाम वर्ड्स की बात कर मैं चाहूंगा कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें।